गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा संविधान की एक क्लास लाई हूं, जिसमें आज हम संविधान में विधानमंडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विधानमंडल संविधान का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। जिस तरह से हमने संसद के तीन अंग जाने थे, उसी तरह से विधानमंडल भी तीन अंग से मिलकर बना होता है। संसद से इसे कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, और आसानी से ये भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विधानमंडल की, कि विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो दोस्तों, विधानमंडल अनुच्छेद 168 के तहत वर्णित है, अर्थात अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि एक विधानमंडल होगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और इसके तीन अंगों को जानते हैं। तो दोस्तों, विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि जिस तरह से हमने संसद के तीन अंग देखे थे, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति, तो यहाँ राष्ट्रपति की जगह हमारा राज्यपाल होंगे, और राज्यसभा की जगह पे विधान परिषद होगा, और विधानसभा की जगह पे लोकसभा की जगह पे विधानसभा होगा। तो दोस्तों, हमने राज्यसभा को वहाँ पर उच्च सदन बोला था, इसी तरह से विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद जो है वह उच्च सदन होगी। परिषद बस आप याद रखिएगा, परिषद क्या है, वो उच्च सदन है, और विधानसभा क्या है, वो निम्न सदन है। तो अब जैसे उसमें हमने अनुच्छेद देखा हुआ था, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे। विधानमंडल अनुच्छेद 168 सबसे बड़ा विधानमंडल है, तो सबसे पहले 168 आता है, उसके बाद विधान परिषद है तो 169 अनुच्छेद में वर्णित है, फिर आता है विधानसभा तो 170 में वर्णित है, और राज्यपाल हमारा अनुच्छेद 153 के अंतर्गत वर्णित है। तो दोस्तों, ये तो रहा इनसे रिलेटेड अनुच्छेद की बात। अब आगे हम बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को अच्छे से जानेंगे कि किस में क्या है। तो सबसे पहले हम विधान परिषद, वहाँ भी हमने सबसे पहले राज्यसभा को जाना था जो उच्च सदन है, तो हम उच्च से निम्न की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले विधान परिषद को हम देखेंगे, क्योंकि विधान परिषद हमारा क्या है, उच्च सदन होता है। तो दोस्तों, विधान परिषद में क्या होता है कि यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जैसा कि आपको बता दिया। कंफ्यूज हो जाते हैं आप सभी विधानसभा और विधान परिषद को लेके एग्जाम में, कि कौन सा हमने उच्च सदन पढ़ा था तो कौन सा निम्न। तो बस आप परिषद याद रखिएगा, परिषद हमारा सबसे बड़ा इसमें वर्ड है, तो परिषद हमारा उच्च हो गया, उसके बाद निम्न आएगा। तो विधान परिषद क्या है कि राज्य विधानमंडल का ये उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो यदि किसी राज्य की विधानसभा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उसे राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो विधानसभा है वो मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से बनता है, और इसमें क्या होता है, संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करता है। अर्थात करता तो स्थापना संसद है, लेकिन राज्यपाल के सलाह मशवरे से 2/3 बहुमत के द्वारा। बस इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ बता दिया है कि विधान परिषद इज इक्वल टू राज्यसभा। जिस तरह से हमने जो जो चीज़ें केंद्र में राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, वही चीज़ें हम यहाँ राज्य में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात दोनों की क्वालिटी सिमिलर ही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में केवल 7 राज्यों में हमारे विधान परिषद है। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 7 राज्यों के नाम पूछ लेता है कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है, उनके नाम बताने रहते हैं आपको। तो तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ये वो 7 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। तो दोस्तों, विधान परिषद इन 7 राज्यों में तो है, पर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, 27 राज्य हैं तो हमें याद नहीं होता है, 29 राज्य हैं हमें याद नहीं होता है कि कौन सा राज्य हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारा, यह तू भी मजा कर, अर्थात पढ़ाई करेगा तो तू भी मजा करेगा फ्यूचर में। बस ऐसे आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, तो विधान परिषद आप पढ़ेंगे तो मजा करेंगे।
बस तू भी मजा कर, तो तू में टी और यू से मिलकर बना है, तो टी से हमारा तेलंगाना हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, भी से बिहार हो गया हमारा, और मजा में एम ए और जे ए, इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो एक एम ए से महाराष्ट्र हो गया, जे से हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और ए से आंध्र प्रदेश, अर्थात मजा में जो है हमारा तीन राज्य निकलेंगे, फिर कर से कर्नाटक, तो यही हमारे विधान परिषद के वो सात राज्य हैं 29 राज्यों में से, यहीं पर ही विधान परिषद है बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु है, क्योंकि जो इनकी विधानसभा के सदस्यों की आयु होती है, विधान परिषद की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है बस, आप इतना याद रखिएगा, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये उच्च सदन है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष, जैसे कि हमने राज्यसभा में पढ़ा था उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष था और न्यूनतम आयु उनकी भी 30 वर्ष थी, ये बड़ा है तो ज़्यादा रहेगा बस इतना याद रखिए। फिर आगे क्या है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसीलिए विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। दोस्तों इससे पहले हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ प्रति दो वर्ष पर जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, अर्थात कुछ अवकाश ग्रहण करते हैं तो उनकी जगह पे नए निर्वाचित हो जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसलिए विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, यही पॉइंट उठाकर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों कभी भंग नहीं होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। फिर मैक्सिमम और मिनिमम संख्या विधान परिषद के सदस्यों की जान लेते हैं दोस्तों, तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात वहाँ के जो विधानसभा है उनके सदस्यों का जो भी उनके सदस्य संख्या होगी उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ये हमारा न्यूनतम संख्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपवाद स्वरूप क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में सदस्य संख्या 36 ही है, लिखा तो गया है हमारे संविधान में कि न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जम्मू और कश्मीर है जहां सदस्य संख्या 36 है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, तो एकल संक्रमणी वोट पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणी वोट पद्धति, हमने ये चीज़ें राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, राज्यसभा में भी और यहाँ पर भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन, ये हमारा स्थायी सदन है विधानमंडल का, जिस तरह से संसद के स्थायी सदन की बात किया जाए तो वहाँ पर राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उसी तरह से विधानमंडल का स्थायी सदन विधान परिषद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तथा 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या है यहाँ कि जो विधान परिषद के 1/6 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितने सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है और कितने सदस्यों को विधानसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं, तो 1/6 और 1/3 आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, अर्थात जब भी कोई बैठक हो इसकी तो कुल सदस्य का कम से कम तो 1/10 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। आगे है हमारा, विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति चुनता है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति चुनता है, अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये अपने ही सदस्यों में से उपसभापति को भी चुनते हैं और सभापति को भी चुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विधान परिषद का कार्य देखते हैं, तो विधेयकों को पारित करना ही इसका कार्य होता है विधान परिषद का, अधिकतम 4 माह तक किसी भी विधेयक को विधान परिषद में रोका जा सकता है। अब कुछ जगह पे जो हमारे 7 राज्य हैं इन राज्यों में
सदस्य संख्या देख लेते हैं विधान परिषद की। तो सबसे अधिकतम जो है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, इनकी संख्या यहाँ पर सर्वाधिक 100 है। आंध्र प्रदेश में 50 है, जम्मू एंड कश्मीर में 36 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है। तो ये दो तो सेम है। सबसे पहले आप 100 याद करिएगा, और जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो साथ में बिहार का नाम आता है। तो 100 के बाद जो संख्या है 75 आती है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से आप याद रखिए कि 100 है अगर उत्तर प्रदेश का तो उसके बाद बिहार ही आएगा। तो बिहार का 75 हो गया, तो बिहार से कर्नाटक चिपका हुआ है। तो बस इस तरह से आप एक दूसरे को जोड़ के चीज़ें याद करेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। तो बिहार और कर्नाटक आप एक साथ याद रख लीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, अर्थात सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या होती है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो 78 यहाँ पर हो गया, और जम्मू कश्मीर तो ये अपवाद स्वरूप है क्योंकि न्यूनतम तो 40 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 36 है, तो ये तो आपको ध्यान ही रहेगा। आंध्र प्रदेश 50 है और तेलंगाना 40 है सबसे कम। तो दोस्तों ये तो हमारी हो गई सदस्य संख्या की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। वैसे जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम और मिनिमम से बनता है कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने विधान परिषद के बारे में हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाना जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, और बहुत कुछ होता है। ये तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना तो आप पढ़ ही लीजिएगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं करना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम विधानसभा और उसके बाद राज्यपाल को जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।